जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार रविवार को विपक्षी महागठबंधन से बाहर हो गए। वह एक बार फिर भाजपा के साथ आ गए और मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। उधर राजद के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने फिर दोहराया कि राज्य में खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि मैं केवल भाजपा को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं भाजपा को धन्यवाद भी कहना चाहता हूं कि वह नीतीश कुमार की पार्टी को अपने साथ ले गई। उन्होंने आज शपथ ले लिया, बिहार में खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तेजस्वी ने नीतीश को थका हुआ मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि सरकार ने जो भी काम किए वो उनसे राजद ने करवाए थे। उन्होंने दावा किया कि 2024 तक जदयू का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। राजद नेता ने कहा कि मैं कोई निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, परंतु नीतीश कुमार को यह भी नहीं पता कि वह कह क्या रहे हैं। वह कुछ भी कर ले, राज्य की जनता हमारे साथ है। तेजस्वी ने आगे कहा कि मेरी नीतीश कुमार के साथ कोई निजी दुश्मनी नहीं है, परंतु उनके पास कोई विजन नहीं है। वह कहा करते थे रोजगार के मौके बनना असंभव है, लेकिन जब हमने सरकार बनाई तो यह संभव हो गया। तेजस्वी ने दावा किया कि 17 महीनों में हमने उन विभागों में रिकॉर्ड तोड़ काम किया जो जदयू के थे, तो फिर हमें अपना काम का क्रेडिट क्यों नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2022 में सत्ता में आए महागठबंधन का गठन जिन उम्मीदों के साथ हुआ था, नीतीश ने उन्हें खत्म कर दिया है। हम बीती बातों में उलझना नहीं चाहते हैं, हम आगे की सोचते हैं। बिहार की जनता हमारे साथ है और बिहार में अभी बहुत बड़ा खेल होना बाकी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।